तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमर और स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये लोग अब है कहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा कि ये लोग ऋषिकेश जा रहे थे, हरिद्वार ऋषिकेश। लेकिन वहाँ पर आप लोग दोस्तों बोलते हैं कि ये वीडियो पुरानी वीडियो, बहुत पहले की वीडियो है, लेकिन रियलिटी वो नहीं है। ये बहुत पहले की वीडियो नहीं है, ये हाल फिलहाल की ही वीडियो है। और अगर वेदर रिपोर्ट की बात अगर की जाए तो उत्तराखंड में अभी लगातार बारिश हो रहा है, लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं और जगह जगह पर पत्थर गिर रहे हैं, यानी कि बहुत ही भयानक रूप है। वहाँ की नदी में अभी जैसे गंगा नदी में पानी उफानों पर है, बहुत ज़्यादा पानी में करंट है, बहुत तेजी से पानी बह रहा है। और जैसे उत्तराखंड, वो पहाड़ से वहां पर लगातार सड़क पे लैंडस्लाइड होते रहता है, वहां पर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर रोड पे आते रहते हैं। और ये लोग, आज बारिश हो ही रहा था उसी में ये लोग निकल गए थे। क्या हुआ है? अरे सुन, लेकिन निकल गया था, लेकिन वैसे ही जैसे ही देख रहे हैं कि सामने लैंडस्लाइड हुआ है। और कहने का मतलब कि थोड़ा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है। और ये लोग भले ही गाड़ी से निकले हैं, लेकिन वहाँ की समस्या ऐसा नहीं है कि वो इस समय वहाँ पर कहीं पर जाया जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को दिख ही रहा होगा। अरे चल, क्यों नाटक कर रही है? तो आराम आराम से चलेगा ना, देखिए बाइक। बहुत सारे लोग इस हालत में भी वहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन ये किसी खतरा से कम नहीं है, ये खतरा की घंटी है भाई। कहीं पर भी आप गाड़ी से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ से जा रहे हैं, लेकिन प्रकृतिक से बलवान आप लोग नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, उसका रीजन है भाई। अगर कहीं पर भी लैंडस्लाइड हुआ, अगर सड़क के बगल में पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, वहां से अगर, कहने का मतलब कोई भी पत्थर आके गाड़ी पर अगर गिरता है ना, तो आदमी का बचना नेक्स्ट टू इम्पोसिबल हो जाता है। बोले तो जा रहे हैं ना, देख सब लोग जा रहे हैं। और यही सारा कुछ है, कहने का मतलब जहां पर ये लोग खड़े हैं वहां पर बगल में नदी भी है, तो नदी में भी देखिए कि पानी कहाँ रुक जाए, पानी कितना तेज बह रहा है। चलना है ना घर। रेनकोट आपको, कहने का मतलब कि बारिश से तो सुरक्षा प्रदान कर सकता है, लेकिन जब जहां पर बहुत तेज बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड भी हो रहा है, लैंडस्लाइड से थोड़ी रेनकोट बचा सकता है भाई। जगह है, खतरनाक है, खतरा हो सकता है। क्या दिमाग खराब कर रहे हैं? क्या दिमाग खराब कर रहे हैं? कभी तो सुन लिया करो मेरी, सही सुखाई के लिए तो बोल रही हो। देख यहाँ से कम ना, अभी बारिश हो रही है तो बारिश, बारिश है, बहुत तेज बारिश है, लेकिन इस जगह पे जाना, जा रहे हैं कि ये लोग, हमको लगता है कि वापस आ रहे हैं, ठीक है। और बारिश में, पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड होना बारिश के टाइम में आम बात है, यानी कि कभी भी हो जाता है। बहुत सारा इसमें जितना भी हम फुटेज हम यूज किए हैं, तो उसमें आप लोग देखते होइएगा कि किस हिसाब से आदमी को रेस्क्यू किया जाता है। कहीं पर लैंडस्लाइड हुआ है, कहीं पर घर गिर गया है, तो पहाड़ी क्षेत्र में ये सब लगातार होते रहते हैं, ठीक है। तो ज्यादा इस वीडियो के बारे में, चल नहीं और दे रहा है, देख गाड़ी वाला हॉर्न बजा रहा है, चल। कार भी ठीक है, चलो कार होती तो समझ में आता कि चलो कार सेफ है, चार पहियों की बैलेंस बना रहता है ऐसे रास्तों। मैडम, चार पहिए भी सेफ नहीं है, चार पहिए के ऊपर भी अगर पत्थर, जो बड़ा बड़ा पत्थर गिरता है, तो उस पत्थर पे आदमी दब जाता है, बड़ा बड़ा कार भी दब जाता है। तो किसी को, यानी कि किसी भी वाहन से, यानी कि जैसे मौसम गड़बड़ है तब कहीं जाना, ये तो भाई प्रॉब्लम से खाली नहीं है। यार चलना, तू नाटक क्यों कर रही है? क्यों कर रही है? मैं ना नाटक नहीं कर रही, ठीक है? ओए सुन, ओए रास्ते में कहाँ जा रहे हैं पागल, कहाँ जा रहे हैं उधर? फिर पैदल ही निकल गए हैं भाई। ये तो हम तो सोचे थे कि कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, लेकिन इन लोगों का अभी इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि जगह पे, जिस जगह पे ये लोग हैं वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। रेनकोट पूरी तरह से भीग गया है और सड़क भी जैसे दिख रहा है कि पूरी तरह से, करने का मतलब भीगा हुआ है सड़क, ऐसा नहीं कि सड़क सही है। भारी हो रहा है सब कुछ, तो हम चला रहे हैं ना, तू थोड़े चला रही है, तो मैं हूँ ना। तुम्हें बैठना ही है ना। हाँ तो
बैठने में क्या दिक्कत है? बाइक पे जितना ज्यादा नुकसान बैठने वाला का होता है उतना ही नुकसान ड्राइवर को होता है। और कहीं जब प्रॉब्लम होता है तो भाई खतरा दोनों के ऊपर रहता है। तो मेरा हेलमेट ले ले। मेरा पूरा यहाँ से पानी जा रहा है, मेरा सब कुछ भीग रहा है, कपड़े सब भी। बारिश के मौसम में निकली है तो कपड़ा भीजना तो आम बात है ना। बारिश रेनकोट तो बस बारिश से आपको थोड़ा देर के लिए राहत देता है। अंदर की तो तू जैकेट तुझे तो चाहिए था ना ऐसे हेलमेट के दिखे पूरा, थोड़ा सा आंख बस बचना था। दोस्तों पूरा वीडियो तो हम यहाँ पर नहीं प्ले करेंगे क्योंकि पूरा वीडियो आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, लेकिन जितना सारा हम रिपोर्ट शेयर किए वो अभी उत्तराखंड की है, क्योंकि उत्तराखंड की हालात अभी सही नहीं है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और फिर भी लोग केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं। अभी कहने का मतलब मौसम गड़बड़ है तो भाई रुक जाइए, मौसम सही हो जाता है तब निकलिएगा तो वो सही रहेगा आप लोगों के लिए भी। और जो आप लोग वीडियो बनाते हैं तो देखने वाले को तो चलिए हम लोग व्यूवर्स हैं, हमको तो खतरनाक चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, देखने में मजा आता है। लेकिन रियलिटी में जो जाकर शूट करता है, वहां पर जाता है उसको रिकॉर्ड करता है भाई, उसको बहुत ज्यादा खतरा होता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये कहना कहने का मतलब नेक्स्ट टू इम्पोसिबल रहता है कब क्या हो जाए। मान लीजिए कि अभी बारिश हो रही है, अभी लैंडस्लाइड हो जाए तो वहां पर ये सब कुछ इन लोगों को झेलना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को ठीक ठाक लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जितने भी वीडियो का हम रेफरेंस यूज किए हैं इस वीडियो में, सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो भाई वहां से जाके उन लोगों का भी वीडियो देखिए। और ये वाला वीडियो का भी ओरिजिनल वीडियो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी डाल दिया है, तो वो बेसिकली फेसबुक पर है, तो उसको भी देखिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।